अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जे बी एम एस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीमेंट की जो कीमतें हैं वो आ चुकी हैं, हड़ताल ख़त्म हो चुकी है। क्या हड़ताल सक्सेसफुल हुई है या नाकाम हुई है? अगर नाकाम हुई है तो उसकी वजूहात क्या है? और सबसे अहम बात, सीमेंट के जो रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्या ये कम होंगे या नहीं? तो चलें, आपको ये तमाम जो डिटेल्स हैं आपको एक ही वीडियो में मैं बता देता हूं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आप मुझे बार बार मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर पूछ रहे होते हैं कि भाई ये जो रेट्स हैं ये क्या नीचे आएंगे दोबारा या नहीं, और हड़ताल का क्या बना। तो चले, रेट्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपके साथ ये रेट लिस्ट शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, रेट लिस्ट के बारे में भी जो नए हमारे विजिटर्स हैं या नए हमारे व्यूवर्स हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि भाई आज का रेट क्या है। तो भाई, हमने आपके लिए इस चीज़ की बड़ी आसानी पैदा की हुई है कि आप 24 घंटों में किसी भी वक्त जो है सीमेंट का ताज़ा तरीन रेट, स्टील का ताज़ा तरीन रेट्स चेक कर सकते हैं। आपने सिंपली करना ये होता है कि अपने मोबाइल पर गूगल को ओपन करना है। गूगल पर ये जो हमारी वेबसाइट है jbms.pk, इसको लिखें, आपके सामने हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो सीमेंट के रेट, तमाम आप स्टील के रेट्स, तमाम आप सोलर पैनल्स के रेट्स और इस तरह के जो आइटम्स हैं उनके ताज़ा रेट्स चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल आप दोस्तों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी भी तरह की इस पर पेमेंट्स नहीं करनी पड़ती रेट्स चेक करने के लिए। तो चलो दोस्तों, मेरे पास इस वक्त लिस्ट है, मैं रेट लिस्ट आपको अपडेट कर दूँ। उसके बाद जो है आपको हड़ताल के बारे में बताते हैं कि भाई हड़ताल क्यों जो है नाकाम हुई। चले पहले बता देते हैं कि भाई हड़ताल नाकाम क्यों हुई है, क्योंकि हड़ताल मैं इसको सक्सेसफुल हड़ताल नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके बाद रेट्स जो हैं वो कम होने की बजाय 30-40 रुपये इजाफा ही हुआ था। रेट्स जो है उस दिन तो कम हो गए थे, लेकिन दोबारा फिर कंपनियों ने जो है इजाफा कर दिया। हड़ताल जो अनसक्सेसफुल हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो कुछ डीलर्स थे उन्होंने बाइकआउट नहीं किया, वो माल मंगवा रहे थे और मार्केट में ब्लैक करके बेच रहे थे। मतलब कि वो 1500, 1600, 1700 की बोरी, 1800 की बोरी, कुछ जगहों पर तो मुझे मैसेजेस आए कि 2200, 2400 तक जो सीमेंट का रेट है वो सेल होता रहा है। आप दोस्तों से भी एक चीज़ पूछूंगा कि ये जो हड़ताल के दिन थे, ये बाइकआउट चल रहा था, आपके एरिया में शॉपकीपर्स किस रेट पर जो है आपको सीमेंट दे रहे थे? क्या 1700, 1800 इस तरह सीमेंट का रेट आपके एरिया में हुआ या 2200 हुआ? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में क्या रेट्स चल रहे थे। तो दोस्तों, हड़ताल नाकाम हुई है और नाकाम होने की वजह भी डीलर्स खुद ही है, इन्होंने सब ने बाइकआउट मिलकर नहीं किया। दूसरे नंबर पर जो है आने वाले दिनों के हवाले से बता देते हैं कि भाई आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होगी। और पहले मैं रेट्स अपडेट कर दूं। बेस्ट वे सीमेंट की बात करें तो बेस्ट वे सीमेंट का जो आज की रेट लिस्ट के अलावा रेट है ये 1490 रुपये है। पाक सिम का रेट जो है 1510 रुपये है। डीजी खान सीमेंट का रेट 1500 रुपये है। फौजी सीमेंट का रेट 1450 रुपये। लक्की सीमेंट 1455 रुपये। कोहाट सीमेंट 1450 रुपये। चराट सीमेंट 1455 रुपये। मैपल लीफ 1500 रुपये। दोस्तों, ये जो रेट लिस्ट हैं ये आपके एरिया के हिसाब से डिफरेंस आ सकता है। इसमें 10-20 रुपये रेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर मैपल लीफ का 1500 रेट बता रहा हूँ तो कुछ जगह पर 1490 भी हो सकता है, कुछ जगह पर 1530 रुपये भी हो सकता है। तो इस तरह 20-30 रुपये तक डिफरेंस आ जाता है। ये चीज़ आप माइंड में रखा करें, आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है रेट्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो कमी या इजाफा हुआ होता है वो तकरीबन हर जगह ही हुआ होता है। पावर सीमेंट की जो बात करें तो पावर सीमेंट का रेट 1450 रुपये, अस्क्रीज सीमेंट 1455 रुपये, पायनियर सीमेंट 1460 रुपये, पायदार सीमेंट 1440 रुपये, फैल्कन सीमेंट 1445 रुपये, फ्लाइंग पाकिस्तान का रेट 1440 रुपये है। दोस्तों, इन ब्रांड्स के अलावा अगर कोई ऐसा ब्रांड है जिसकी रेट आप चाहते हैं हम वीडियो मेंशन करें और रेट लिस्ट वेबसाइट पर भी ऐड करें, तो कमेंट सेक्शन में उस ब्रांड का नाम कमेंट कीजिएगा। अगर किसी ब्रांड के रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स हो तो हम नेक्स्ट उसका भी जो रेट्स हैं वो अपडेट करेंगे आपको। आने वाले दिनों के हवाले से दोस्तों, जो अभी के हालात नज़र आ रहे हैं, आपको पता है कि रेट्स कम होने के लिए ही स्ट्राइक हुई थी। मिसाल के तौर पर जो विद होल्डिंग टैक्सेस वगैरह लगे थे उनको ख़त्म करने के लिए स्ट्राइक चल रही थी, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि भाई किसी तरह का भी इसमें कमी देखने को नहीं मिली। आने वाले दिनों में भी मेरे पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक कमी होने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन अगर कोई कमी होती है तो इंशाल्लाह सबसे पहले आपको इस चैनल पर, इस वेबसाइट पर और हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।